पर ये एंटर हो चुके हैं, बल्कि गाड़ी तो हमारी एंटर हो चुकी है। हम लास्ट टनल है जिसमें से एक टनल आ गई है। माउंटेन के बीच में से गाड़ी जा रही है, तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चलो बस चलते हैं आगे। इस वक्त इंजन पर आ चुके हैं और ये आपको दिखाते हैं यहाँ से अंदर। PHA 28306 यहाँ पर पानी डाला जा रहा है गाड़ी के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, आपने पार्ट वन में देखा था कराची से लेकर रोहड़ी तक, रोहड़ी जंक्शन तक, और पार्ट टू में मैंने आपको दिखाया था रोहड़ी जंक्शन से लेकर और यहाँ तक की जर्नी, कहाँ तक? रावलपिंडी तक की जर्नी। तो अब पार्ट थ्री के अंदर हम आपको रावलपिंडी से लेकर पिशावर कैंट तक लेकर जाएंगे। और अगर आपने मेरा पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने दोनों के लिंक दे दिए हैं। दोनों जर्नीज़ को आप जाके देखिए, जो कि थ्रू आउट 47 अब रहमान बाबा की जर्नी है और डिटेल्ड आपको मैंने जर्नी शेयर की है। पाकिस्तान में अभी तक रहमान बाबा की जर्नी डिटेल कराची टू पिशावर किसी ने शेयर नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैंने ये काम किया है, हिम्मत दिखाई है तबीयत नासाज होने के बावजूद भी। जी तो हमारी 47 अप रहमान बाबा रावलपिंडी 11:30 बजे आकर रुकी थी दिन के, जो कि इसका टाइम था राइट टाइम वो 9:30 बजे का था। 2 घंटे गाड़ी हमारी लेट है और इस वक्त आप सामने देख रहे हैं रावलपिंडी स्टेशन की बिल्डिंग जिस पे के पाकिस्तान का और कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर केबिन्स बने हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 ये रहा। साथ में आपको मैं ये कुछ व्यू दिखा रही हूँ, ये ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हसीन बहुत ही प्यारा। और इस वक्त जो है ना सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जो घास का कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सुनहरी सुनहरी सा है। बहुत सी आवाम उतर चुकी है और यहाँ से आप तकरीबन बता रहे हैं गाड़ी वाले के 3 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन अब देखते हैं कि कितने टाइम लगता है पिशावर पहुंचने में। वैसे तो अगर आपने सफारी ट्रेन जो कि रावलपिंडी से अटकपुर तक जाती है हर संडे के संडे 9 बजे यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करती है और अटकपुर तक जाती है, अटकपुर से फिर 3 बजे रवाना होती है और 5 बजे रावलपिंडी पर आकर अपना सफ़र ख़त्म करती है, अगर आपने उसकी जर्नी देखनी है और आपने मज़ेदार व्यूज़ लेने हैं, इंजॉय करना है, तो प्लीज़ शाजियाज फैमिली लिखकर और सफारी ट्रेन लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी और आपको लुत्फानंदोज़ होंगे। और इसी तरह से आज भी संडे है, आज भी सफारी कोच यहाँ से, सफारी कोच मतलब सफारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी हुई है। अच्छा चलो जी, ये भाई को बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे और प्रॉब्लम्स तो सबको रहे, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बख़ैर आफियत अपनी मंजिल पे पहुँचे हैं सब। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी आवाम उतर चुकी है और गाड़ी ऑलमोस्ट अब खाली खाली सी जाएगी, हल्की हल्की सी। जी तो ये भाई साहब कह रहे थे हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे मेहमानों की भी वीडियो बनाइए। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में कहाँ से? कराची से पिशावर। इसी हमारी गाड़ी में? वेरी गुड। कैसा रहा सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। और ये जी साथ में स्टाफ है गाड़ी का, आपका नाम क्या है भाई? सलामुल्ला। अजब खान। अजब खान। और साथ में जी ये दूसरे भाई भी खड़े हुए हैं, बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलके। और आप लोग बताएं कि मेरे साथ सफ़र कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तंग तो नहीं किया? नहीं, नहीं, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं जी, थैंक यू सो मच।
11:53 पर विसिल हो गई है हमारी ट्रेन की, यानी के लोकोमोटिव ने कह दिया चढ़ जाओ अपने अपने डब्बों में। तो चलते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट थ्री को। जी हाँ, पार्ट थ्री हम हमारा रावलपिंडी से लेकर पिशावर कैंट तक है। तो ट्रेन रवाना हो रही है, भागे अंदर चलो भाई। तो अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पिशावर से कराची जाने के लिए अवाम एक्सप्रेस जस्ट अभी अभी आकर लगी है। कुछ नहीं कह सकते कि भाई कौन सा डिब्बा किस गाड़ी का है। अब ये देखे ना, ये मुल्तान वाली मेहरान रावलपिंडी। और ये देखिए जी, अब हम रावलपिंडी स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, सलाम कर रहे हैं। हालांकि मैंने इनसे कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे फूल वगैरह देख रहे हैं आप, इस्तकबाल किया गया होगा पीपल्स पार्टी वालों का। तो ये फूल वगैरह नीचे गिरे हुए हैं और मैंने कहा जब तक वहाँ पर जो है ना वो गाड़ी के रैक खड़ा है तब तक मैं यहाँ से कैप्चर कर लूँ, क्योंकि बिल्डिंग तो नज़र आ नहीं रही है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 आप देख रहे हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम मेरी ग्रीन लाइन भी आकर रुकी थी। चलते हैं सब। ये है जी, तो अभी अभी जस्ट पिशावर से कराची जाने के लिए अवाम एक्सप्रेस आकर रुकी है, ये आई है और हम अब रवाना हो रहे हैं। छप्पन मिनट पर हम रावलपिंडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं। अब दुआ करते हैं कि आगे का जो सफ़र है, जर्नी है, वो हमारी जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफिज रावलपिंडी। बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने लायक है। वैसे तो मैंने जो सफारी ट्रेन करनी थी उसमें सब कुछ दिखा दिया था डिटेल से, फिर भी अगर आप लोगों ने देखना हो तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजिर दिखा रहे हैं। अब यहाँ से आगे की जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, थोड़ा सा आगे आके। अब देखते हैं उस साइड पर, तो मैं आपको कभी इधर घुमा रही हूँ कभी उधर घुमा रही हूँ। ये जी हम स्टेशन से निकले हैं, रावलपिंडी स्टेशन से निकल रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी देखिए कितना खूबसूरत कर्व ले रही है, बहुत ही प्यारा सीन है इस वक्त। तो जी रावलपिंडी से अब हम बाय बाय करके जा रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू है इस वक्त। गाड़ी कर्व ले रही है और साथ ही आप देखें ट्रैक्स हैं, लोग हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हमारी टीवी हो चुकी है।
वॉशिंग लाइन आप देख रहे हैं, रावलपिंडी स्टेशन की जो वॉशिंग लाइन है वो आपको मैंने दिखाई है। अच्छा जी, एसटी साहब आ गए थे कि टिकट चेक करवाएं, तो मैंने टिकट चेक करवा दी है उनको। लेकिन मैं बता रही थी कि यहाँ से लैंडस्केप बहुत ही प्यारी होती है। अब Thank you.
हसीन स्टेशन है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर भी। और ये जी इन्होंने अचार दिया, अचार अचार दिया है। और बहुत खूबसूरत स्टेशन टेक्सला को हम स्किप कर रहे हैं स्लोली स्लोली। वो एक मंदिर भी नजर आ रहा है। अच्छा जी व्यूवर्स, वहाँ पर देखिए उतर कर जो है हमारी आवाम ट्रैक पे लेट चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये अभी यहाँ से आई थिंक 48 डाउन रहमान बाबा का यहाँ से गुज़र होना है, और ये लोग सारे उतरे में, और एक साहब तो ट्रैक पे लेट चुके हैं। मैंने सुपर जूम करके आपको दिखाया, ये देख रहे हैं आप। और अब मैं दिखाती हूँ असल में कितनी दूर है, ये इतनी दूर है जनाब मुझसे। डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो विजिबल हो चुकी है, उसकी लाइट आप देख रहे हैं शायद। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको और करीब करके दिखाती हूँ। और जी विसल भी उसने दे दी है, क्योंकि सारी की सारी आवाम उतर के हमारी गाड़ी में से और ट्रैक के ऊपर लेटी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पिशावर से कराची जाने के लिए आ रही है, और इस वक्त हम संजुवाल पर रुके हैं पास देने के लिए। तो जी ये आ चुकी है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस 8318। ये सिंगल लाइन है और हमें लूप लाइन पे खड़ा किया गया था ताकि इसे क्रॉस करवाया जाए। तो ये जी यहाँ से कराची जाने के लिए जा चुकी है जी। तो अब इस वक्त टाइम हो रहा है 1:23, और ठीक 1:30 हमें पहुँचना था पिशावर कैंट स्टेशन पर, और गाड़ी काफ़ी लेट हो गई है। तो पास लेने के बाद 48 डाउन रहमान बाबा को पास लेने के बाद अब हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और अब आएगा अटक स्टेशन। तो
लूप लाइन से वापस हमारा जो आप देख रहे हैं इंजन वो मेन लाइन पर आ रहा है। और इतना अच्छा लगता है ये बल्ब खाता हुआ सीन गाड़ी का। एक बजकर 32 मिनट पर हम अटक सिटी पहुंचे हैं। दो मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। हमारा आप जैसा कि देख सकते हैं पार्ट वन पार्ट जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पार्ट थ्री चल रहा है 47 अब रहमान बाबा का। और इस वक्त हम अटक सिटी स्टेशन पर खड़े हैं और लेट है काफ़ी गाड़ी। 1:30 पर हमें पहुंचना था कि पिशावर कैंट, लेकिन हम इस वक्त अटक शहर पे यानी अटक सिटी खड़े हैं। तकरीबन 2-3 मिनट के हॉल के बाद 1:38 पर हम लोग जो हैं वो रवाना हो रहे हैं अटक सिटी से। अल्लाह करे कि रास्ते में कहीं रुके तो मैं पीछे चली जाऊँ गार्ड वैन में और वहाँ से आपको पीछे से व्यू दिखाऊँ अटक फोर्ट का और अटक फोर्ट के बाद ब्रिज का। प्राय दादू खेल माड़ी इंडस चंड रावलपिंडी पिशावर और शहरा। जो पीछे गार्ड वैन है ना, तो मैंने बात की थी कि मुझे वहाँ से जो है ना वो कैप्चर करना है पीछे से, जिस मनी उसके बाद कोई डिब्बा नहीं होता गाड़ी का। तो उन्होंने कहा आप आ जाए, लेकिन दूसरा मोबाइल उठाने आई हूँ तो गाड़ी चल पड़ी, लिहाजा अब अंदर ही अंदर से रास्ता बना के देंगे मुझे पावर वैन से और फिर मैं जाकर पीछे से इंशाल्लाह ताला जो है वो वीडियो बनाऊँगी अटक खुर्द की भी, और उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं अटक खुर्द के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है दरियाए काबुल और दरियाए सिंध जहाँ पर आकर मिलते हैं उसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये रोमिया गुजरा है, रोमिया स्टेशन गुजरा है छोटा सा था।
रूम है वहाँ, और वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है पीछे से व्यू दिखाना है। तो आई होप कि ये विंडो खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम कि खुल जाए, भाई साहब खोल दे तो फिर हम आपको क्लियरली दिखा सकें, लॉक दे ना की मौजूद है, अल्लाह करे खुल जाए। और ये भी कोई डिटेल ये जो काम करते हैं ना ये बहुत है सारा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच। और आप अपना काम देखिए ना, डिस्टर्ब नहीं हो आपका काम। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार आपको दिखा रही हूँ तो शाजिया फैमिली पर आप देख रहे हैं पहली बार, जो कि ट्रेन के बिल्कुल लास्ट वाले डिब्बे से गार्ड रूम से हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत। अभी हम पहुंच रहे हैं अड्डापुर की तरफ, अड्डापुर स्टेशन पे हमारा स्टॉप नहीं है लेकिन गाड़ी ज़रा सी स्लो हो जाएगी क्योंकि अड्डापुर ब्रिज जो है वहाँ से हमने आगे बढ़ना है। और अड्डापुर ब्रिज जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था, काबुल और दरियाए सिंध दोनों वहाँ पर आकर मिलते हैं। और इस ब्रिज की एक हिस्ट्री है वो भी मैंने आपको विकिपीडिया के ज़रिए बता दी थी। अगर आप लोगों ने मेरी सफारी ट्रेन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सफारी ट्रेन की वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बना के दी हुई है। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल हम 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के ज़रिए पहुँच रहे हैं जी पिशावर फुट, और फिर इससे आगे हम जाएँगे नौशहरा और पिशावर कैंट। तो गाड़ी जो है वो स्लो हो चुकी है। अटकपुर जो मैं बताती चलूँ, जो मैंने पहले भी बताया था लेकिन रिपीट मैंने दोबारा किया है कि ये पंजाब का आखिरी स्टेशन है अटकपुर, आप देख रहे हैं जो आ चुका है ये पंजाब का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद दरियाए काबुल और दरियाए सिंध जहाँ पर मिलते हैं वो ब्रिज आएगा जिसे कि अटकपुर ब्रिज भी कहा जाता है। उसके बाद फिर KPK स्टार्ट हो जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट हो जाएगा। तो खैराबाद पहला स्टेशन है लेकिन वहाँ गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी जाकर रुकेगी जहांगीराबाद पे इंशाल्लाह ताला, 10 मिनट बाद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो देखिए जी इंतहाई खूबसूरत व्यू है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थैंक्स करती हूँ भाई साहब आपका भी कि आपने मुझे ये मौका दिया। और ये सब हम अपने पाकिस्तान की हम पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, तो ये प्रमोट कर रहे हैं हम अच्छा लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं लोग कहेंगे ये पीछे क्या हो रहा है चले व्यूअर्स, ये स्टेशन मैंने आपको दिखाया हुआ है अच्छे तरीके से घूम फिर के। अगर फिर भी देखना चाहे तो सफारी ट्रेन शाजाज फैमिली सफारी ट्रेन लिखिएगा तो आपको यहाँ का सारा मंजरनामा मिल जाएगा उस वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत। और ये जब हम एंटर होने लगे हैं अटकपुर ब्रिज पर, ये एंटर हो चुके हैं, बल्कि गाड़ी तो हमारी एंटर हो चुकी है, हम लास्ट में हैं। तो यहाँ से व्यू कीजिए, ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पंजाब की हदूद से हम निकल आए हैं और हम KPK की हदूद में एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पर फैमिलीज भी खड़ी है, अच्छा इधर आके देख सकते हैं, वाह ज़बरदस्त। ये ब्रिज मैंने नीचे पैदल चल के आपको दिखाया था, बहुत लंबा ब्रिज था ये, ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान का हर एरिया हर इलाका हर सूबा बहुत ही खूबसूरत है और सबके अपने मुनफरिद नज़ारे हैं। और ये जी आपको रिवर भी नीचे नज़र आ रहा है, ये देखिए जी रिवर भी नज़र नीचे आ रहा है। और ये देखिए इसमें जो है दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के आगे जाके एक हो जाते हैं। तो ये जी हमारा ब्रिज ख़त्म हुआ और ये हम KPK में दाखिल हो गए। तो ये आर्मी पोस्ट राइट इधर ना, आर्मी पोस्ट भी है यहाँ पर आएगी अभी।
अभी ये इलाका कौन सा, अभी कौन सा इलाका है ये? अच्छा, पहुँच जाएंगे माशाल्लाह जी। तो भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से पिशावर तक 5 टनल है, जिनमें से 1 टनल आ गई है। आपको क्या कुछ दिखा रही है माशाल्लाह। तो ये जी सिंधु 1883 में बनी थी जी। जी मैंने पढ़ा है, उसमें पढ़ा है। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और ये साथ ही साथ रोड भी जा रहा है भाई। ये रोड कहाँ जा रहा है ये देखिए, इसमें आपको एक साथ नज़र आ रहा है अटल ब्रिज भी नज़र आ रहा है, जिससे हम होकर आए हैं फुट ब्रिज, और साथ ही रोड भी है। और ये रोड आगे जाकर GT रोड के साथ अटैच हो जाता है। अटल ब्रिज आपको अभी भी नज़र आ रहा है, अटल फुल ब्रिज, जहाँ से अभी हम आए हैं। अटल फुल ब्रिज अभी भी आपको नज़र आ रहा है, विजिबल है। आप करेंगे तो बैठ करूँ।
खूबसूरत मनाजिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी ये जहांगीराबाद आ चुके, इसका बोर्ड ही नहीं लगा हुआ। तो ये देखें जी यहाँ से हम आ रहे हैं और लूप लाइन पर हम हो गए हैं। इस वक्त लूप लाइन पर हमने जहांगीराबाद रेलवे स्टेशन को टच कर लिया है बहुत पहले का। और यहाँ पर कितने मिनट का स्टॉप है? यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है सर। आप मेरे सामने बात कर लीजिए, बाकी अगर मुझे कहते हो तो मैं चली जाऊँगी। ले जी हमें तो स्टेशन पे खड़े होने की इजाज़त ही नहीं मिली क्योंकि बहुत दूर हो गया। चलो जी बस चलते हैं आगे इंशाल्लाह करें। थैंक यू सो मच भाई। गाड़ी ख़त्म है यहाँ पे, अब चलते हैं जल्दी से आगे। और इंजन ड्राइवर से इजाज़त ले ली है इंशाल्लाह ताला। वहाँ से फिर मैं टाइम है मैं आगे चलूँ ओके, तो वहाँ से फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो इंजन में चढ़ूँगी अगले स्टेशन से नौशहरा से। तो जी भागो भागो जल्दी से, बहुत दूर प्लेटफॉर्म था लेकिन मैंने ले ही लिया है। जी तो यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। और मुझे अब अंदर ही अंदर से जाना है नौशहरा तक, फिर नौशहरा से आपको जी बटो केबिन राइड दिखाते। कैसे हैं आप? ठीक है आपकी, आप कहाँ थी? हरी चीजों के अंदर आपको याद किया। अच्छा मुझे याद, माशा अल्लाह आपने जो व्यूज दिए हैं हाँ वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ये भुट्टो के चाहने वालों का काफिला है और इंशाल्लाह पिशावर पहुंचने के बाद जलसा गाह के अंदर वो जो है हम दिखाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए यहाँ पर खाने का सारा सिस्टम है, अरेंज है, बैक कैमरा से आती हूँ। तो यहाँ पे पाए शाये खा लिए, पाए भी खाए, गाजर का हलवा भी खाया, मेथी का साग भी खाया, मक्खन के साथ खाया, सारा कुछ ही खा लिया ना आप लोगों ने। आपके लिए रखा है, पाए भी रखे हैं इंशाल्लाह। और वो वहाँ पर चेयरमैन हमारे बैठे इकबाल भाई, उसका इंटरव्यू ले। सही बंदा रखा है, ऊंची आवाज वाला आप लोगों ने। तो इस वक्त हम नौशहरा रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। 1 घंटा 56 मिनट डिले है, 1 घंटा 56 मिनट डिले के साथ हम नौशहरा रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। और इस वक्त मैं कोच नंबर 1 में, बल्कि 1 नहीं 2 में खड़ी हूँ। पहले मैं 1 में गई थी लेकिन 2 में मुझे बुला लिया पीपल्स पार्टी के जियालों ने कि आप हमारा इंटरव्यू लें। तो यहाँ पर उतरते हैं, मैं अंदर ही अंदर गाड़ी के अंदर ही अंदर से मैं आई थी कोच नंबर 1 में, तो फिर वो बुला कर लेके गए थे, खैर उनका मेरे लिए। अब यहाँ पर मुझे जाना है इंजन राइड करने के लिए, तो देखते हैं। तो ये है जी नौशहरा, हम नौशहरा से खड़े हैं। और ये आपको दिखाते हैं यहाँ से अंदर आके इंशाल्लाह ताला। तो बाहर से आप देखिए फिलहाल कितना ज़बरदस्त है ये मंजर। सेकंड विसल हो चुकी है, इसी के साथ ही गाड़ी नौशहरा स्टेशन से रवाना हो रही है आगे की तरफ और हम चलते हैं
अंदर क्या मैं इधर बैठ जाऊँ? थैंक यू सो मच सर। जिसको चाहिए आ जाए, मुझे सिर्फ ये फ्रंट से लेना है। नहीं मैं कह रही हूँ कि आपने बैठना बैठ जाइएगा, मैंने सिर्फ फ्रंट से लेना है। आप आ जाइएगा प्लीज, जब भी आना हो, ठीक है? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। काश आप जैसे लोग पाकिस्तान को मिले, हमारे पाकिस्तान को ना अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो जी जैसा कि आपको पता, 2 मिनट के हॉल के बाद 2:33 पर हम यहां से रवाना हो रहे हैं नौशहरा रेलवे स्टेशन से। तो मैंने आपको ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में, ट्रेन के बिल्कुल लास्ट वाले डिब्बे में जाके गार्ड वैन से भी पीछे का व्यू करवाया है। आप लोगों ने ज़रूर इंजॉय किया होगा और ये आपके लिए बोनस है, स्पेशल बोनस है मेरी तरफ से अपने तमाम व्यूवर्स के लिए। एक पाकिस्तानी फीमेल ट्रेन व्लॉगर, जो कि फर्स्ट फीमेल ट्रेन व्लॉगर हूँ, शायद आज के बाद कोई दूसरी शादियाँ पैदा हो, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी शादियाँ आप ही के चैनल से इसको इंजॉय करें। तो मैं यहाँ से थोड़ा खामोश रहूँगी, आप में सिर्फ व्यू को इंजॉय करना है लोकोमोटिव के अंदर से। सर इंजन कहाँ से चेंज हुआ था? सर मुझे पता होता ना मैं जाके देख लेती। अच्छा इसको ना बंद कर रहे हैं क्योंकि हवा भी आएगी और साथ में ये बार बार बंद हो रहा है।
जो है वो इतनी ज़्यादा थी और मैं खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर चढ़ के बैठ जाएँ। एक हमारे सीनियर ड्राइवर है और एक जो है हमारे जूनियर ड्राइवर, दोनों साथ साथ बैठे।
पेशावर सिटी है। 3:11 पर पेशावर सिटी पहुँचे हैं और यहाँ से जी अब मैं जाऊँगी अपनी जगह पे वापस। और बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त। अभी मैं आपको मैं पेशावर कैंट पे आपसे मिलती हूँ। नहीं ना, अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, वो सामान भी पीछे रखा है ना। तो जी ये कैंट स्टेशन है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ जर्नी करके? तो जर्नी कर आ जाए। अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको मेरे साथ ट्रेन की जर्नी करके, इंजन कैब से मेरे साथ जर्नी करके कैसा लगा? अच्छा लगा है ना। पता नहीं लाइट कैसी आ रही, लेकिन अलबत्त आपको दिखाती हूँ फास्ट। इस वक्त जी हम लोग खड़े हैं पेशावर सिटी स्टेशन पे। ये है पेशावर सिटी स्टेशन। ये आप ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से हमारा। और सर कह रहे हैं कि आप कैंट तक चले, कोई मसला नहीं है। तो सर चले कैंट तक चलते हैं इनके साथ, फिर वहाँ से हम अपनी कोच में जाएंगे। कोच नंबर 14 के अंदर मेरा सामान है जी। हाँ जी, बैग है एक मेरा और बस। तकरीबन 5 मिनट स्टॉप के बाद यहाँ से गाड़ी रवाना हो रही है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। जाते हैं, पिछले दिन हम एक औरत बेचारी जो है गाड़ी खड़ी थी,
टिकट आ ही चुका, 3:23, 1:57 आई थी, हम लोग लेट हैं। वेलकम टू पिशावर कैंट। आपका भी हुआ है, इसी उम्मीद के साथ कि जी पाकिस्तान पर अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। तमाम पाकिस्तान के सिटीज़ हमारे अपने सिटी हैं, पाकिस्तान को साफ रखें। सिर्फ आवाम का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ हुकूमतों को बुरा भला कहे, लोगों को या इदारों को बुरा भला कहे, हमें ख़ुद भी अपनी जगह पर सफाई का ख्याल रखना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है। और मैंने देखा है कि जगह जगह गंदगी के, ये देख रहे हैं आप कि ये यहाँ पर जो कचरा फेंका है, ये रेलवे मुलाजमीन ने नहीं फेंका होगा, ये डेफिनेटली आवाम ने ही फेंका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये आपको मैसेज देना चाह रही थी। तो अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी और तीनों पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों के लिंक दे दिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। मेरा सामान पीछे ये देखिए जी, इतनी देर से सामान में यही छोड़ के गई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या भाइयों जी। तो बस पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है, लाइट्स वगैरह सब बंद है और मैं अब उतर रही हूँ नीचे। सब केबिन खाली हो चुके हैं क्योंकि मैं इंजन में थी ना और वहाँ से भाग कर आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सामान महफूज रहा। बहुत अच्छे ड्राइवर अंकल बहुत ही अच्छी आदत के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी रुकी थी। बड़ी बात। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि जी आप इतनी मुश्किल जर्नी में, आप इतना मुश्किल की जो है वो ये सब जो है ना सलाम पेश कर रहे थे अभी पहले भी मुझे ऑफ द कैमरा भी, और अब आप कैमरे के सामने भी बोल ही दिया है। तो चलते हैं हम यहाँ से अपनी मंजिल पे और ये लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल। अच्छा जी, 3:43 का टाइम है और ये है जी पिशावर स्टेशन। बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ पिशावर स्टेशन जो कि बाहर से, यहाँ पर तमाम मीडिया की गाड़ियाँ, जियो अब तक और उसके अलावा समा न्यूज़ वाले, ये सब आए हैं क्योंकि कराची से जो पीपल्स पार्टी वाले आए हैं ये उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और अंदर जो है वो नारेबाजी हो रही थी तो उनको कैप्चर करने के लिए ये तमाम मीडिया आया है। और अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, ऑटो लेते हैं और नमक मंडी जाकर कोई होटल देखते हैं। और बहुत अच्छा स्टाफ था यहाँ पर भी, सब कह रहे हैं बाजी चाय पिए, पानी पिए, खाना खाना है, खाना खाए।
अच्छा मैं यहाँ पे बताऊँ, एक तो रिजर्वेशन ऑफिस ये है ना, और एक अंदर भी है। अच्छा मुझे कल जाना है यहाँ से अटक सिटी से, फिर मुझे जाना है झंड, तो वो जो है उसके लिए झंड के लिए जो है अटक सिटी से मुझे गाड़ी लेनी है, तो मुझे सुबह यहाँ आके 8:15 बजे अवामी को पकड़ना है।